मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हिप्नोसिस के नाम पर दिखावा कैसे होता है, कौन करता है, असली सच इस वीडियो में जानोगे। इस विषय पर, हिप्नोसिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर हैं ओम जी, जो बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं। तो ओम जी के कुछ सवाल हैं, उन्हीं पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी ओम जी। जी, इसमें एक मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे किसी से कोई हिप्नोटाइजमेंट करके, जो कुछ फिल्मों में भी दिखाया जाता है, हाँ, कि उनसे असली बात पूछी जाती है, सच्चाई पूछी जाती है, जहाँ कुछ जो गहरे राज उन्होंने जो किसी को बताना नहीं चाहते, हाँ, वो भी पूछे जा सकते हैं इस माध्यम से? हाँ, संभव है। क्या ये जब किसी से पूछते हैं वो उनको याद भी रहता है कि इसने मेरे हिप्नोटाइजमेंट करने वाले मेरे से पूछे? दोनों ही बातें। अगर हिप्नोटाइज करता ये कहता है कि तुझे याद रहेगा तो उसको याद रहेगा, अच्छा, या उससे ये कह दिया जाए कि तुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। दोनों ही बातें। अच्छा, ये ज्यादातर केसेस में भुला दिया जाता है, जिससे पूछा जा रहा है उसको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पता लग जाए तो वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, या वो मानसिक रोगी हो जाएगा। मानसिक रोगी हो जाएगा तो उसे भुला देना ही ठीक रहता है। ठीक है, जो बचपन में कुछ गलत हुआ, कुछ गड़बड़ियां हुई, कुछ हरासमेंट हुआ, तो उनको याद करेगा तो वो परेशान हो जाएगा, वो भुला देना ये ठीक रहेगा होता है। लेकिन जो दिखाया जाता है टीवी पर, फिल्मों में, वो सच नहीं है, वो हिप्नोसिस के नाम पर धोखा है। जैसे एक सीरियल आता था ना, राज पिछले जन्म का, वो पूरी तरह से बकवास है। अच्छा, वो स्क्रिप्टेड होता है। ठीक है, पिछले जन्म का हिप्नोसिस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये अवैज्ञानिक है। ठीक है, हिप्नोसिस एक विज्ञान और कला है, लेकिन जो ये PLR या बाकी जो पास्ट में ले जाते हैं वो विज्ञान से हट जाता है। अच्छा, क्योंकि उसके पीछे कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिप्नोसिस में बंदा जो भी बोलेगा वो वही बोलेगा जो उसे पता है, अचेतन मन में है, जो उसके साथ घटित हुआ है। जो उसके साथ घटित नहीं हुआ वो भी बोल देगा, लेकिन बोलेगा कैसे, जो हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इनसे हर सेकंड सूचनाएं अंदर जा रही हैं दिमाग, हर सेकंड सूचनाएं जा रही है, लाखों करोड़ों सूचनाएं स्टोर हो रही हैं, तो इनसे सूचनाएं तो जा रही है, हमें पता ही नहीं, हमें बहुत थोड़ा सा पता है, लेकिन उस अवस्था में उन सूचनाओं को वो बोल देता है। अच्छा, अब आप हिप्नोटाइज करके किसी को चाइना में नहीं ले जा सकते। आप कहो कि चाइना का कोई शहर है, उसका नाम बता, क्या वो बता देगा? नहीं बता सकता। हाँ, क्योंकि उसने सुना ही नहीं है। सुना ही नहीं। अगर टीवी में या सुना है तो वो बोल देगा, चाइनीज बोल के दिखा, बोल तो देगा, भाषा तो वो बोलेगा। अच्छा, लेकिन वो चाइनीज नहीं होगी, क्योंकि वो मना थोड़ी ना कर पाएगा, वो ये नहीं कहेगा चाइनीज नहीं आती, वो बोल देगा कुछ भी बोल देगा। ठीक है, हो सकता है वो मिलती जुलती भी भाषा हो, क्योंकि उसने टीवी में या कहीं सुनी हो थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वो शब्द मिला करके, लेकिन वो चाइनीज होगी ये पक्का नहीं है। पक्का नहीं है। हाँ, आप ऐसे तो हिप्नोटाइज करवा करके, वो भी IAS का पेपर है कल, उसमें क्या सवाल आने वाले बताओ, तो वो संभव नहीं। जो उसके अंदर है वही बाहर लाया जा सकता है, जो अंदर है ही नहीं उसे बाहर कैसे लाया जाएगा? ठीक है, ये हिप्नोसिस की सीमा है, ये लिमिटेशन है, जो फिल्मों में क्रॉस कर दी जाती है। ठीक है, एक जो मतलब जैसे हिप्नोटाइजमेंट करके चोरी करवाते हैं, या ये अलग आ जाएगा, अभी आप इसी में रखते हैं कि ये फिल्मों वाला क्लियर। हाँ, नहीं अभी मतलब जैसे कोई किसी से गहरे राज पूछे जाते हैं या कोई भी, हाँ जैसे, हाँ इसी में रह गई थी बात, जैसे राज है, जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भी और वैज्ञानिकों के अनुसार, कि जैसे ही हम माँ के पेट में थे, इसके ऊपर मेरे पास अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, वो भी बता देता हूँ, माँ के पेट में थे तब भी हम सुन रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं कुछ बातें, तो वो भी दोहराने का लोग दावा करते हैं, और जन्म के बाद तो हम सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो अचेतन मन में होता है, लेकिन वो हमें याद नहीं होता, नहीं तो हम 2 महीने के थे, 5 महीने के थे, वो सारी चीजें पूछी जा सकती हैं और दोहराई भी जा सकती हैं। तो जो बचपन में कुछ भी घटित हुआ, किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट किया या कुछ और हुआ, वो राज तो
बाहर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, वो बैकवर्ड ले जाया जाता ना, ऐसा नहीं है कि सीधा 5 साल में, पहले वो जैसे 20 साल का है तो 19 साल, फिर 18 साल, फिर 17, ऐसे धीरे धीरे करते करते उसे लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब जो वो लंबी प्रोसेस है जो इसके साथ, मतलब जो घटनाएं हुई क्या वो सही बताते हैं? हाँ, वो बताएंगे, वो सही सही बताएंगे। हाँ ठीक है, जैसे एक बच्चा है जिसको मैडम ने बहुत पीटा, उसकी शुशु आ गया था, इस शुशु के कारण बच्चे को पता नहीं उसके कारण रोग लग गया, उसको वो स्कूल नहीं जाता। अब वो स्कूल के नाम से डर जाता है, स्कूल जाने का कह दो स्कूल टियां शुरू हो जाती है, बच्चे को भी पता नहीं। अब उसको हिप्नोटाइज करते हैं, बताते हैं साथ स्कूल में क्या हुआ, क्या घटना हुई जिससे तू डर गया, तो उस समय वो बता देगा। ठीक है, तो फिर उसको ठीक कर देते हैं कि अरे मैडम ने पीटा था, वो मैडम देखो पीटना नहीं चाहती थी, या कैसे करके उसको बिलीव दिला दो भी जो घटना घटी वो ठीक नहीं थी, या बेअसर हो कर दो उसको, उसका असर खत्म कर दो। ठीक है, तो उसको फिर होगा, फिर कह दो तू आगे जाएगा तो तुझे घबराहट भी नहीं होगी, तू पढ़ाई करेगा, मन लगाएगा, तो उस अवस्था में वो काम कर जाता है। ठीक है, ऐसे बच्चों के रोग वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जो हिप्नोटाइजमेंट में जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो मान लिए जाते हैं। हाँ, मान लिए जाते हैं, क्योंकि ना मानने का उसमें ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये इतना ही था ना ये तो। हाँ, तो राज वाली बात क्लियर। हाँ, विराज वो पूछे जा सकते हैं जो हमसे संबंधित है, संबंधित है, जो उनके साथ हुए हैं। हाँ, हुए हैं, जो आपके साथ बचपन में कोई बुरी घटनाएं घटी, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, या गलत हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट है। जैसे एक लड़की को हिप्नोटाइज करके बताते हैं कि उससे पूछा गया तो वो डिस्टर्ब रहती थी, तो पूछा गया तो उसने बताया कि वो बोल रही है कि पापा पापा ऐसा मत करो, मैं आपकी बेटी हूँ। बाद में पता चला कि उसके पापा ने उसका रेप किया था। ऐसे बच्चों के साथ बहुत से जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेज है वो घर वाले ही होते हैं। ज्यादातर केसेज में लड़कियों का रेप उनके जानने वाले ही करते हैं, जानने वाले करते हैं। वो बहुत सी लड़कियों के साथ होता है, परिवार में ही उनके साथ, जिन पर हम यकीन करते हैं। एक लड़की है, उसका बाप भी कई बार नहीं बख्शता है, भाई वो बाकी लोगों को तो कहने ही, रिश्तेदार तो बहुत ज्यादा ही। हाँ, तो कभी भी अपनी जवान बेटी को रिश्तेदार के पास या किसी मर्द के पास ना छोड़े। चाणक्य ने भी बात कही, ऐसा होता है रियल में। हाँ बिल्कुल होता है, ये तो बहुत केस निगाह में आए मेरे। हाँ, तो इसलिए ऐसा होता तो लड़की बता भी नहीं पाती है, लेकिन वो मानसिक रोगी जरूर हो जाती है। हो जाते हैं, मेरे पास बहुत से ओसीडी के केस आते हैं जिनमें उनके मौसा ने, चाचा ने, या किसी भाई ने, या जो भी। हाँ, तो ये चीजें दबी रह जाती है ना, तो बताते नहीं हो, तो जो हिप्नोसिस से ही ठीक किया जा सकता है ना। हाँ, हिप्नोसिस से इनको, वो हिप्नोसिस करता तक ही रहती हैं चीजें, आगे नहीं जाती, क्योंकि आगे जाएं तो फिर बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। वो ये नहीं कि आज किसी के पापा ने रेप किया तो वो बता देगा भी इस लड़की के पापा ने रेप किया था, इससे तो और गड़बड़ियां हो जाएंगी। वो उसे बाहर नहीं लाता है, वो पब्लिक नहीं करता है। हाँ, ये इसीलिए मतलब कि ये चीज अगर किसी किसी के साथ भी हुई है, यंग लड़की के साथ हुई, या किसी लड़के के, लड़का भी बड़ा होगा तो उसके दिमाग से ये चीज नहीं जा रही, ये राज अगर उससे पूछ लिया जाए तो उसे खत्म किया जाए, तो इन फ्यूचर वो मतलब ठीक महसूस करते हैं, उस बीमारी से निजात। हाँ, वो असर कम हो जाता है, असर कम हो जाता है, पास्ट या बैड एक्सपीरियंसेस का असर कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक, लेकिन ये डीप ट्रांस में या लंबा उसके साथ काम करना होता है। ठीक है, ये चुटकियों का नहीं है काम, चुटकियों का। हाँ, अच्छा, आराम आराम से होगा, महीनों या कुछ महीने तक सेशन चल सकते हैं इसके। अच्छा, एक दो सेशन में नहीं, कई सेशन भी लग सकते हैं। मतलब ये रोज करना पड़ता है, रोज मतलब? हफ्ते में, या वो हफ्ते में जो थेरेपिस्ट होता है वो ही डिसाइड करता है, देखना पड़ता है कहाँ तक पहुंच गए। हाँ, कहाँ तक सफलता मिल रही है, सफलता मिल रही। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए स्टॉप, मानो तो मौज वरना समस्या हर रोज।